हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, ये वीडियो करवा चौथ के पहले दिन के, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाई तो इसलिए मैंने सोचा आज आप सब लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो गाइस, ये मैं घर से निकली तो सबसे पहले गई मैं पार्लर। तो आपको पता ही होगा मैं कौन से पार्लर जाती हूँ, मैंने इसकी कई सारी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करी है। तो जैसे मैं पार्लर पहुँची, उस टाइम भाभी कर रही थी थ्रेडिंग किसी और की, तो मैं वहाँ पे पहुँची तो मैंने भाभी को बोला कि मेरे को ब्लीच करवानी है और थ्रेडिंग वगैरह करानी है। तो सबसे पहले भाभी ने ब्लीच करी, और जब तक कि ब्लीच हो रही थी मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। फिर उसके बाद बनाई थ्रेडिंग अपर लिप। तो देखो, करवा चौथ था तो काफ़ी लोग आ रखे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी करवाए और फिर चली गई मार्केट। तो मार्केट मम्मी जी ने कहा था जैसे पार्लर से निकलेगी बता देना, तो फिर मम्मी जी भी आ जाएगी। तो फिर मम्मी जी आई तो फिर हम गए मार्केट, थोड़ा हमने लिए करवा, जो जो करवा चौथ में ज़रूरी होता कैलेंडर वगैरह तो था, तो हमने लिए करवे दिए वगैरह। और उसके बाद गए हम आगे, फिर हमने लिए वहाँ पर थोड़ा सा फूल, दो मालाएँ ली और गुलाब के फूल लिए। तो गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छे फूल थे, बहुत भीड़ थी आज तो सच में। और फिर उसके बाद लिए हमने कुछ फल। तो जब हमने फल लिए फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, तो हम ना दिन में गए थे इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन तब भी भीड़ थी, लेकिन शाम शाम को और ज़्यादा हो जाती है। तो फिर हमने जो जो पूजा में यूज़ होता है सारा सामान ले लिया था। फिर थोड़ा प्रसाद भी लेना था, फिर हम गए थोड़ा आगे, फिर हमने यहाँ पे लिया प्रसाद जो जो पूजा में लगता है। फिर उसके बाद हमने लेना था श्रृंगार का सामान, तो हम चले गए आगे दुकान में, फिर हमने वहाँ पे जो जो श्रृंगार का सामान चाहिए था वो लिया। उसके बाद हम घर आए, फिर घर आके खाना खुना खाया रात का। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पहले मम्मी जी पे लगाई मेहंदी, उसके बाद रात को मेरे पे लगाई। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बता देना मेहंदी कैसे लगी है।